सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में हर मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने निजी अनुभव साझा किए, कानूनी मंत्री किरेन रिजिजू के वर्किंग स्टाइल पर टिप्पणी की और न्यायालय की वर्तमान स्थिति पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि जिला और सत्र न्यायालयों को और सक्षम बनाने के मकसद से तैयार की गई विशेषज्ञों की रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय काफी कारगर साबित होंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्य साथी जजों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता और सकारात्मकता के लिए हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि सबके सहयोग से ही हम तेजी से विभिन्न उच्च अदालतों में बड़ी तादाद में खाली हुए जजों के पदों पर नियुक्त की ओर बढ़ रहे हैं। जस्टिस रमना ने बताया कि कोलेजियम ने 12 हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के रिकॉर्ड 68 नामों की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इन नामों की जल्द मंजूरी देगी। रमना जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू मंच पर थे। जस्टिस रमना ने कहा, केंद्रीय कानून मंत्री यहाँ है, मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द नामों को मंजूरी देगी, जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 9 नाम को मंजूरी दी थी। रिजिजू के बाद में मीडिया से बातचीत में बताया कि मैं प्रस्तावित न्यायाधीशों के नामों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हम इस पर बेहतर फैसला लेंगे। अब इस कार्यक्रम के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू संग मजाक मस्ती की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब वो मुझसे मिले थे तो मुझे लगा कि वो कॉलेज के छात्र हैं, लेकिन मैं उनकी उम्र नहीं पूछना चाहता। CGI ने कहा कि कानूनी मंत्री ने बताया कि मैंने लॉ की डिग्री ली है लेकिन प्रैक्टिस का अनुभव नहीं है, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये तो और भी अच्छा है क्योंकि अब आप जजों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे। वही किरेन रिजिजू ने कहा, जब मैं CGI रमना से पहली बार मिला तो मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता था, मैंने उनके बारे में दोस्त और मीडिया से सुना था। अपनी पहली बातचीत में मैंने महसूस किया कि हमारे पास ऐसे CGI हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा और आस्था है। कानून मंत्री ने कहा, CGI रमना उच्च सत्यनिष्ठा के व्यक्ति साबित हुए हैं जिन्होंने न्यायपालिका के लिए एक नया सवेरा पैदा किया है, चाहे वो वकीलों की शिकायतों के मुद्दे हों या महामारी के दौरान वित्तीय और अन्य मुद्दे हों। रिजिजू ने कहा कि सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।